अस्सलामु अलैकुम एंड हाय एवरीवन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद रहें। ये मेरा बेटा मोहम्मद हसन हमें लेके ग्रीनविल जा रहा है, सेइंग हाय टू यू। वहाँ ग्रीनविल हम क्यों जा रहे हैं, ये विंटर ब्रेक से पहले का क्लिप है जब विंटर ब्रेक स्टार्ट हुई थी। तो हम सब मुसब मेरे दूसरे बेटे को लेने ग्रीनविल जा रहे थे। ये उवैस और आमिना बैठे हैं, आमिना इज़ प्लेइंग शाय और उसके साथ उवैस जो है वो इंजॉय कर रहा है अपनी राइड। और रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत सीन्स थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। और विंटर ब्रेक ऐसी ब्रेक है जिसका मुझे साल में सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि इतने टफ़ वेदर में, यहाँ विंटर काफ़ी हार्ड होती है, तो इतने टफ़ वेदर में बच्चे भी स्कूल जाते जाते थक जाते हैं और माएँ उनको गर्म बिस्तरों से रोज़ाना सुबह सुबह निकालना और फिर स्कूल भेजना इस काम से थोड़ी एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो एवरीवन नीड्स अ ब्रेक इन द मिड ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस छुट्टियों में हमने काफ़ी अपने आप को रिचार्ज किया और एनर्जी हमारी बूस्ट हुई, तो बच्चे घर आए, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत का टाइम रहा। ये हम मुसब के डॉम्स पहुंच चुके हैं तो वो हमें लेने गेट पे आया था और अब हमें लेके अपने रूम में आ रहा है। कुछ देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, फिर वो पैकअप करके हमारे साथ घर चलेगा। और ये आमना मेरी बेटी अपने भाई के साथ आगे आगे रवान दुआ है टू ओपन द डोर फॉर अस। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा मुसब के जो डॉर्म्स हैं, अपार्टमेंट है उसका क्विक टूर दे दूंगी छोटा सा। तो ये उसका लिविंग रूम एरिया है विच इज़ अ कॉमन एरिया बिटवीन टू रूम्स, और बहुत माशाल्लाह अच्छा और स्पेशियस है। इसके बाद इस राइट नेक्स्ट टू इट इसका बेडरूम है और छोटा सा किचनेट भी है इसमें। एंट्रेंस जहाँ से हम दाखिल हुए थे वो इसका किचन है। ये मुसब साहब बैठ के अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं और आप सबको वेव कर रहे हैं। तो इन छुट्टियों में हमने बहुत सारा फूड पैकअप किया बच्चों के स्टे के दौरान, डेली खाने पीने के अलावा हमने बच्चों को साथ देने के लिए एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर किया, तो उसको फिर फ्रीज किया, उसके पोर्शंस बनाए, बहुत सारे पिज़्ज़ास बनाए। वो मैंने खाने ज़्यादा तैयार किए जो बच्चों के फेवरेट हैं, पास्टास पिज़्ज़ास, बाकी आम चीज़ें भी रोज़ाना जो पकती रहीं कुछ ना कुछ उनमें से सालन वगैरह हर चीज़, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो था उसको हमने पैक करते रहे और बच्चों को साथ दे के एंड ऑफ द विंटर ब्रेक पे उनको साथ दे के भेजा। तो ये मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ास मैंने एक दिन में ढेरों ढेर कुक किए, बेक किए और फिर उनको साथ दिया। ये आमना की बर्थडे थी। ये एक बड़े पाँव वाला बच्चा जो है ना वो माँ को रेस्क्यू कर रहा है सफाई में, तो अच्छी बात है। मैंने अपने बच्चों को शुरू से सेल्फ हेल्प भी सिखाई है और वो मेरी भी हेल्प करवाते हैं ऑलवेज इन, और ये अच्छी बात है। सफाई में स्वीमान है और बच्चों को इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि वो सफाई में ना सिर्फ इनिशिएटिव लें बल्कि खुद से साफ करना सीखें। विंटर ब्रेक कितनी जल्दी ओवर हो गई पता ही नहीं चला। बहरहाल हमने इसको बहुत अच्छे से स्पेंड किया और इट इज़ टाइम टू गो बैक। और आज हम सब मिलके वापस उवैस को छोड़ने उसके डॉर्म्स जा रहे हैं। तो रास्ते में बच्चों को स्नैक्स चाहिए थे तो हमने क्विक ब्रेक लिया डंकिन डोनट्स पे, वहाँ से कुछ कॉफ़ी और डोनट्स इंजॉय किए। तो चलें, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।